ना करिए ले बहन जरो ना करिए जरो चा ठुक चा चले हे चा चले ना देले है कहीं ना देले कसके और उनके बाल को मुंडन किया गया, दाढ़ी को छील दिया गया है और थूक ये थूक रख के चटवाया गया है। एक मानवीय घटना हुआ है, जो घटना मतलब हमको आपको बता दें कि 1947 में इस तरह का घटना होता था, 1947 से पहले इस तरह का घटना होता था और आज इस तरीके से घटना हो रहा है जहाँ पे हम लोग स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक है फिर भी इस तरीके का घटना देखने को मिलता है। यानी कि एक उज्ज्वल यादव को पीटा जाता है और इसलिए पीटा जाता है कि वह यादव था, पिछड़ा जाति था और फॉरवर्ड बैकवर्ड किया जा रहा है और यहीं यादव कुछ बोल देते हैं तो लोग बार बार बोलते हैं कि यादव का सरकार है इसलिए यादव का मन बढ़ गया है। आज किसका मन बड़ा हुआ है जब यादव का सरकार यहाँ पे है, उसके बावजूद भी यानी कि अग्रेज जाति के लोग यादव पे हावी हो गए हैं और यादव पे जिस तरीके से अभी व्यापार मंडल का अध्यक्ष है वो, यानी कि इस विधानसभा का विधायक भी यादव है, वो भी यादव के वोट से जीते हुए हैं, फिर भी यादव का इस तरीके से दशा हो रहा है और आधा मोछ छिलवा कर अच्छा आधा उनका मुड़ी छिलवा कर घुमाया जाता है और थूक चटवाया जाता है। इस तरीके से शर्मनाक घटना पर फिर भी कोई किसी भी अपराधी का गिरफ्तारी नहीं हुआ है। इस घटना पे यहाँ पे कुछ लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं, इनसे कुछ बात करना चाहें कैसे क्या हुआ था, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? यहाँ तीन लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जो अपराधी है वो अपराधी नहीं की गई है, गिरफ्तारी कोई अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ है, बस ये साजिश के तहत उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है कि मतलब जाना जूटी किसी को गिरफ्तार कर दिया गया है ताकि लोगों को पता चले कि अपराधी मतलब जो करने वाला हो गिरफ्तार हो गया और उन लोग का मामला शांत हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जिसने किया है वो बिल्कुल बिल में छुपा हुआ है, वो गिरफ्तार नहीं हुआ है, बस हम यही कहना चाहेंगे। पुलिस के घटना घटना शॉर्ट में थोड़ा बता दीजिए कैसे क्या हुआ। जो भी पुलिस संरक्षण दे रही है, पुलिस इस मामले में कोई एक्शन नहीं ले रही है, जो भी जाना जुटे उसको गिरफ्तार किया गया है, जो चमचे बमचे हैं और उनको अभी भी गिरफ्तार नहीं हुआ है, मेन गिरफ्तारी को नहीं हुआ है। अगर आज तक हम लोग धरना दे रहे हैं, अगर नहीं कुछ हो रहा है तो 5 दिन का इससे बड़ा रैली निकलेगा और पूरा कल्याणपुर बंदी होगा और हम लोग मोतिहारी तक भी बंद करेंगे, जिला के पूरा बंदी करेंगे। घटना कैसे क्या हुआ था थोड़ा शॉर्ट में बता दीजिए। ये घटना है जो उज्ज्वल यादव के साथ किया गया है, ये कल्याणपुर विधानसभा है तुलसीपट्टी चौक पे, जो ये उज्ज्वल यादव और जो सोनू है, जो सुनील सिंह के मुखिया जो वर्तमान है सागर पंचायत का, उनका भतीजा या बेटा है ये जानकारी हुआ है हमको, वो दोनों साथ में बैठ के भूंजा खा रहे थे। सीबी सिंह जो है पूर्व मुखिया है सागर पंचायत का, जो उसका नाम चंद्रभूषण सिंह है, कन्हैया सिंह है, ऐसे कुछ नाम है, ये दोनों आदमी इन लोगों को चुनावी ये रंजिश है इन लोगों का, लेकिन इसमें कतई ना कतई टारगेट किया गया किनको, तो उज्ज्वल यादव को। ये दोनों राजपूत समाज से आते हैं, यहाँ पे बैकवार्ड को ये लोग टारगेट हमेशा करते हैं, एक दूसरे को हमेशा मारते हैं। यही सुसंख्या गाड़ी में उठा के ले गया गया है स्कॉर्पियो से और उनके बाल को मुंडन किया गया, दाढ़ी को छील दिया गया है और थूक रख के चटवाया गया है पैर पे, और बहुत जो है 30-35 आदमी के संख्या में उनको एक अपहरण करके ले जाया जाता है, बहुत जो है बुरा तरह से उनको मारा जाता है, पीटा जाता है। पुलिस प्रशासन अभी तक क्या कार्रवाई की? पुलिस प्रशासन क्या मिली भगत है, कुछ नहीं कर रही है, ये निर्दोष आदमी को रात उठा ली है। अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा का टीम कल पूरा पहुंचा था, परिजन से मिला था, वहां जाने के बाद जब ये प्रशासन को दिखाई दिया कि अब आक्रोश जनता में है तो ये निर्दोष आदमी को, दो आदमी को अरेस्ट कर लिया, बाकी आदमी बिल में छुपे हुए हैं, लेकिन जब तक ले दोषी को अरेस्टिंग नहीं करते हैं हम लोग कतई बर्दाश्त करने वाले नहीं है। अच्छा थाना अध्यक्ष महोदय, कब तक ऐसे ऐसे लोग मतलब भीड़ जब थाना पे आपके लगाएंगे, जब दबाव बनाएंगे तब कार्रवाई होगा, ये कौन सा कानून करा जाए भाई, ये क्या कर रहे हैं आप लोग, किस चीज़ का पैसा उठाते हैं सरकार से कि अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ, अभी तक कोई भी अपराधी गिरफ्तारी नहीं हुआ, दोषी को नहीं पकड़ती है, क्या कुछ आप करना चाहिए? इसमें यही कहना चाहेंगे कि यादव को दबाया जा रहा है और जो माधर चोरी घटना किया है, जिस तरह से किया है यादव भाई के साथ, उस तरह से हम लोग खुद उसके घर पे चल के जहाँ पकड़ा जाए उस तरह से हम लोग करेंगे, और निर्दोषी को पकड़ा गया है और जो दोषी है उसको पकड़ के जेल में डाला जाए, और जिस तरह से उनके साथ किया है, बाल मुंडन किया है, मोछ छीला है, उस तरह से हम लोग करेंगे, हम लोग भी अपने पैर पर थूक रखेंगे और चटवाएंगे, जब तक हम लोग नहीं करते हैं तब तक हम लोग को दबाया जाता है। माधर चौधरी रंडीपुत को राजपूत नहीं बोलेंगे, रंडीपुत बोलेंगे।
अच्छा, ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, आप थोड़ा कैमरा घुमाइए और चारों थोड़ा दिखा दीजिए। ये भीड़ मतलब कहीं ना कहीं जब कार्रवाई नहीं करती है पुलिस, यानी सिस्टम यानी करप्ट हो जाता है, यानी कि जब फॉरवर्ड बैकवर्ड में जिस तरीके से अभी लड़ाई हो रहा है, जबकि 1947 से पहले इस तरह की घटना होता था, और जो मुंडन का काम किया गया यानी कि आधा मोच छिलवाया गया और कुछ चटवाने का काम किया गया, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को संज्ञान में लेने की जरूरत, सभी आरोपी को गिरफ्तार कर भेजने की जरूरत है, जो उचित कार्रवाई करने की भी जरूरत है। और खासकर मनोज यादव जी से हम कहना चाहेंगे, वो बार बार वो कहते हैं कि बालू से तेल निकाले हैं हम, बार बार बालू से तेल नहीं निकलता है। बार बार आप यादव के वोट लेकर के विधायक बनते हैं, यादव के वोट के चलते आपको, यादव के वोट के चलते इस बार आपको विधानसभा टिकट मिला और आप जीते भी, और बोल रहे थे कि बालू से तेल निकाले हैं। बालू से तेल हमेशा नहीं निकलता, हम आपको बता दे रहे हैं। कितने शर्म की बात है, वो जो लड़का विधायक जी को चुनाव जितवाने का काम किया, वो आज तो अभी तक विधायक जी उससे समाचार पूछने नहीं आए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये कितने शर्म की बात है। मनोज जी इस पर ध्यान दीजिए। विधायक जी कहीं ना कहीं आपको इस मामला को संज्ञान में लाना चाहिए, सबसे पहले आपको आगे आना चाहिए, जबकि आज स्थिति ये है कि आप बोलने को तैयार नहीं है, और कहीं ना कहीं आप आगे नहीं आइएगा तो बालू से तेल निकालना मुश्किल हो जाएगा, और इस तरीके से अगर रवैया रहा तो आपका फिर विधानसभा में लौटना मुश्किल हो जाएगा। यही यादव है जो आपको विधायक बनाया है, यही यादव है जो आपको आम जनता बना दे।